आप सबका शिक्षा दृश्य चैनल में स्वागत है। गृह विज्ञान पीजीटी परीक्षा 7 अगस्त को आयोजित हुई थी, उसका साल पेपर लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। इस पेपर में जो पहला प्रश्न है जो आयोग द्वारा पूछा गया था, सीरीज बी है। उस बी का पहला प्रश्न है पर्सल प्रयास है। पर्सल प्रयास क्या है? इसमें ए ऑप्शन सही है, झुकाव या बैठना। दूसरा प्रश्न, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है, कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव करता है? तो सी ऑप्शन सही है, तपेदिक रोग का बचाव करता है, ट्यूबरकुलोसिस। चौथा प्रश्न है, आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को कहते हैं? सी ऑप्शन, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये हार्मोन उत्सर्जित होता है आंतों की भित्ति से। पांचवा प्रश्न, ढाका का मलमल का निर्माण होता है? ए ऑप्शन, सूती रेशों से। सूती रेशों से ढाका का मलमल का निर्माण होता है। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है डायबिटिक कोमा में। सी ऑप्शन सही है, डायबिटिक कोमा। सातवां प्रश्न, मिलावट कहते हैं किसको कहते हैं? उपर्युक्त सभी बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को, इन सब को मिलावट कहते हैं। उल्टा टाँका कहते हैं किसको? पर्ल टाँका। ये ऑप्शन सही है, पर्ल टाँका इसको कहते हैं, उल्टा टाँका। नवा प्रश्न, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कोटजिन का है। बी ऑप्शन सही है, कोटजिन का। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। दसवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? शुद्ध तरल आहार नहीं है, नहीं कौन है? चाय। चाय तरल आहार नहीं है, फलों का रस, नींबू पानी, दाल पानी, ये सब आहार है, चाय आहार नहीं है। कंथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? ये बंगाल से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है, कंथा कढ़ाई बंगाल की। बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? तो परिवार से प्रारंभ होता है, परिवार समाज की प्रथम इकाई है और प्रथम पाठशाला भी है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? ऑस्टियोपोरोसिस। बी ऑप्शन सही है, कैल्शियम कमी से बीमारी उत्पन्न होती है, ऑस्टियोपोरोसिस। चौदहवां प्रश्न, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण ध्यान आकर्षण, ये प्रथम चरण होता है, ये ऑप्शन सही है। पंद्रहवां प्रश्न, लिनन तंतु के तने से प्राप्त होता है, किसके तने से प्राप्त होता है? लिनन फ्लैक्स का पौधा। बी ऑप्शन सही है। विषों में से कौन सा निद्राकारी विष है? अफीम। अफीम निद्राकारी विष है, ध्यान देना है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? जल के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्रदर्शनी। प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि प्रदर्शनी है। वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? हिस्टाडिन। सी ऑप्शन सही है, हिस्टाडिन की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं एमनियन। ये भ्रूण की आंतरिक परत है, एमनियन। बी ऑप्शन सही है। रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है, कितना शुगर होना चाहिए शरीर के अंदर? 80 से 120 मिलीग्राम या 100 मिली रक्त। इसमें बी ऑप्शन सही है, 80 से 120, ध्यान देना है। शुगर की मात्रा शरीर के अंदर होनी चाहिए 80 से 120 के बीच में।
शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। बी ऑप्शन सही है, प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी सिस्टम जिसका मजबूत होता है वो कम बीमार होता है। हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है जिसका अर्थ है ग्रीक देवी का नाम हाइजिया। हाइजीन शब्द की उत्पत्ति हाइजिया से हुआ है, यूनानी भाषा का शब्द है ग्रीक देवी के नाम से। पाश्चरीकरण किसके संरक्षण की विधि है, दुग्ध। दुग्ध संरक्षण की विधि है पाश्चरीकरण, पाश्चराइजेशन। आगे बढ़ते हैं, शिक्षित करके व्यक्ति को मनोवृत्ति दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना प्रसार शिक्षा कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है प्रसार शिक्षा की। स्काउरिंग का प्रयोग होता है उनमें स्काउरिंग का प्रयोग होता है, ये ऑप्शन सही है। पोषण आहार विज्ञान के जनक हैं लाओइजर, ये ऑप्शन सही है। लाओइजर पोषण आहार विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है, प्रोटीन की माप के लिए होता है। जैविक मूल्य का प्रयोग प्रोटीन माप के लिए। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, भी ऑप्शन सही है। 1000 शिशुओं में जो जन्म लेते हैं उसके आधार पर मृत्यु दर की गणना की जाती है। निम्नलिखित कौन सा एक बैट रंजक है, तो इंडिगो को बैट रंजक कहा जाता है, इंडिगो डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 31वां प्रश्न, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष प्रारंभ किया गया, 1977 में। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, ये ऑप्शन सही है। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम होता है केंद्र से परिधि की ओर, सी ऑप्शन सही है। केंद्र से परिधि की ओर सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है, केंद्र से परिधि की ओर, विकास के सिद्धांत में बताया गया है। ICMRN 2020 RDA सारणी के अनुसार सामान्य आधारित चयापचय दर पर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन निश्चित हुआ, क्या निश्चित हुआ, महिला और पुरुष का वजन 65 किलोग्राम पुरुष और 55 किलोग्राम महिला, ये वजन निश्चित हुआ, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, जठर रस में पेप्सिन पाया जाता है। हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है, ये ऑप्शन सही है, विषाणु के द्वारा फैलता है। भूलने की अचेतन प्रक्रिया दमन है, सी ऑप्शन सही है। किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है, ये ऑप्शन सही है, 0 से 2 वर्ष। विरासत में मिली हुई आय को क्या कहते हैं, विरासत में मिली हुई आय को अप्रत्यक्ष आय कहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, 1946 यूनिसेफ। गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम चेन्नई में, गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना चेन्नई में। जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है मनुष्य, सी ऑप्शन सही है। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है साइक्लोग्राफ, बी ऑप्शन सही है। वृद्ध शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है, मात्रात्मक, वृद्ध मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अपहोल्स्टरी का उपयोग किया जाता है फर्नीचर को ढकने के लिए, बी ऑप्शन सही है। अल्पना कहाँ से संबंधित है, ये बंगाल से संबंधित है अल्पना, ये ऑप्शन सही है, अल्पना बंगाल का है। परिधानों में राफल्ड कॉलर प्रायः किस आकार के गले में लगाए जाते हैं, तो गोलाकार गले में लगाए जाते हैं, डी ऑप्शन सही है। बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं, कौन कौन से पहलू हैं, शारीरिक
कथ्यात्मक और भाषा का विकास, उपरोक्त सभी। जायगोट किसे कहते हैं? नया कोष को जायगोट कहते हैं। जायगोट प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 16% होता है, ये ऑप्शन सही है। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? वेरिसेला जोस्टर वायरस, बी ऑप्शन सही है। चेचक के विषाणु का नाम वेरिसेला जोस्टर वायरस। आईसीएमआर NIGN 2020 RDA सारणी के अनुसार 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई? तो 30 ग्राम, ये ऑप्शन सही है, 30 ग्राम निश्चित हुई है। प्रसव से पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना, यह स्थिति है वृक्ष जन्म की स्थिति है वृक्ष बर्थ। लंबे रेशे को कहा जाता है फिलामेंट, लंबे रेशे फिलामेंट, सी ऑप्शन सही है। पारिवारिक साधन के प्रकार है मानवीय एवं अमानवीय, दोनों है पारिवारिक साधन के प्रकार। अनिवार्य बचत का उदाहरण है सामान्य भविष्य निधि, यह अनिवार्य बचत का उदाहरण है। भोजन पकाने की खदकाना सिमरिंग विधि में तापमान क्या होता है? 82 डिग्री से 99 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑप्शन सही है। खदनाना सिमरिंग विधि में तापमान 82 से 99। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? प्रसार कार्यकर्ता को धुरी कहा जाता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकर्ता है माता और शिशुओं के लिए, सी ऑप्शन सही है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में पारित हुआ, लागू हुआ? कि ये 1929 में लागू हुआ। चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं रक्ताल्पता, रक्ताल्पता, नाखून देखकर पता लग जाता है, चम्मच की आकृति जैसी दिखती है नाखून में। प्रसार शिक्षक एक व्यवहारिक शिक्षण विधि है, सी ऑप्शन सही, व्यवहारिक शिक्षण विधि है। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षण विधि है। पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता, असंतुलन प्रदूषण कहलाता है। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया, सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है संक्रमण, जन्मजात असमानताएं, श्वासावरोध, तो ये तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त सभी है। निखिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन क्या है? कुशलता, ज्ञान और शक्ति, बी ऑप्शन सही है, कुशलताएं, ज्ञान और शक्ति। किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई है तंतु, सबसे छोटी इकाई तंतु है। वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड या सोटू किस पर अधिक असर डालती है? पौधों पर सबसे ज्यादा असर डालती है, ऑप्शन सही है। जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है सटिन बुनाई, ये ऑप्शन सही है। TWCRA का क्रियान्वयन करती है राज्य सरकार, करती है, बी ऑप्शन सही है। झाड़ू लगाना कठिन कार्य माना जाता है, सी ऑप्शन सही है। उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत 2007 में हुई, 4 दिसंबर 2007 उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई। संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? फ्लैश कार्ड, ये ऑप्शन सही है, फ्लैश कार्ड। द्वितीयक रंग क्या है? प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग द्वितीयक रंग है, ये ऑप्शन सही है। मलमल कपड़े के टुकड़े के धागों की संख्या यदि 64x60 है तो कहलाएगी अच्छा संतुलन, सबसे अच्छा संतुलन है 64x60। मलमल के कपड़े में एक टुकड़े में धागों की संख्या 64x60। थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड थकान में एकत्रित हो जाता है। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को, गांधी जयंती के दिन सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर 1952। परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि, बी ऑप्शन सही है। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं कौन? हेल्थ गाइड,
बी ऑप्शन सही है। कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता? वास डिफरेंस, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है, वास डिफरेंस ये नहीं होता है प्रजनन अंगों में, वास डिफरेंस। 81 नंबर प्रश्न, समय मापक इकाई TMU एक सेकंड का 0.036 भाग होती है, तो ये याद रखना है, समय मापक इकाई एक सेकंड का 0.036 भाग होती है, डी ऑप्शन सही है। अगला 82 नंबर प्रश्न, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जूल है, बी ऑप्शन सही है। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया मुंडेल द्वारा, ये ऑप्शन सही है, परिवर्तन के वर्ग का विचार मुंडेल द्वारा। 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? तो ये बटुआ, सी ऑप्शन सही है, विनियोग नहीं है। शीयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है? ऊन को प्राप्त करने में एक चरण है, बी ऑप्शन सही है, शीयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में चरण है, उनके लिए होता है। वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? तो इसको कहते हैं प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, डी ऑप्शन सही है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? उपरोक्त सभी है, अनुवांशिकता, ज्ञानेंद्रिय, मस्तिष्क विकार, ये सभी प्रभावित करते हैं, तो डी ऑप्शन सही है। गर्भकालीन अवस्था होती है गर्भ धारण से जन्म तक, इसको गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? आंतरिक मूल्य है, बी ऑप्शन सही है। बहुउद्देशी भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? CFRTRI मैसूर ने, बी ऑप्शन सही है। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है बहुआयामी, बी ऑप्शन सही है। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं केंद्रीय कृंतक, जिसको सेंट्रल इंसीजर कहते हैं, सी ऑप्शन सही है, ये प्रथम अस्थायी दांत होते हैं केंद्रीय कृंतक, सेंट्रल इंसीजर। पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया पर्यावरण स्वास्थ्य, बी ऑप्शन सही है। मेडरिन एक प्रकार का कॉलर है, ये ऑप्शन सही है, कॉलर है। बजट के लिए उपयोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एंजल के द्वारा, बी ऑप्शन सही है, एंजल के द्वारा। ऊर्जा को मापने की विधि कैलोरीमेट्री, बी ऑप्शन सही है। मर्सराइजिंग परसज्जा में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? कास्टिक सोडा, सी ऑप्शन सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1940 में हुई थी, ए ऑप्शन सही है। 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है 9 किलो कैलोरी, डी ऑप्शन सही है, 1 ग्राम वसा के दहन से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना, उपरोक्त सभी, ये तीनों है। शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह से, बहुत बार ये पूछा गया, शारदा एक्ट याद रखना है, बाल विवाह संबंधित है। संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? साल के अंत में, ये ऑप्शन सही है। साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? LDL, ये ऑप्शन सही है, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल। जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? विस्तार अवस्था, बी ऑप्शन सही है। केम्फनर आहार का प्रयोग होता है उक्त रक्तचाप, सी ऑप्शन सही है, केम्फनर आहार का प्रयोग होता है उक्त रक्तचाप में, हाइपरटेंशन। धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है धागे की संख्या के ऊपर, धागे की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है।
ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना ये महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए उपयोगी है। विद्यालय स्थापित है कस्तूरबा गांधी के नाम से। निम्नलिखित एवं छपी सामग्री, लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? ये सब दृश्य साधन के अंतर्गत आता है, जो आँखों से दिखाई दे वो दृश्य साधन है। यस बेटास क्या है? प्राकृतिक खनिज रेशा, सी ऑप्शन सही है, इसको यस बेटास कहते हैं, जो प्राकृतिक खनिज रेशा है। संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी विलियम हेनरी पार्किन, ये ऑप्शन सही है। राजमा में उपस्थित आग्लेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? ये कैल्शियम तत्व और लौह तत्व, बी ऑप्शन सही है, लौह तत्व एवं कैल्शियम इसको अवरोधित करते हैं। सन 1914 में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, 1914 भरा जाएगा। डिब्बाबंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है, किसका चिन्ह? FPO, ध्यान देना है, एक उपयोग में लाया जाता है, इस चिन्ह को ध्यान में रख कर देख कर ही खरीदना चाहिए। जैम जेली पर FPO का चिन्ह। बच्चों का विकास किसका परिणाम होता है? सीखना और परिपक्वता का, सीखना और परिपक्वता का परिणाम होता है, डी ऑप्शन सही है। खेल बच्चों के शारीरिक मानसिक सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है, तो इसमें खेल भरा जाएगा, ए ऑप्शन सही है, खेल। जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था होती है पार्टनेट अवस्था, सी ऑप्शन सही है। जन्म से 30 मिनट माने आधा घंटा, जन्म से आधे घंटे की अवस्था पार्टनेट अवस्था। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, यह ए रेड्डी द्वारा कहा गया है, ए ऑप्शन सही है, ए रेड्डी, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। कार्य विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है? कार्य विश्राम और शयन, तो ये अनुपात जो है वो 8:8:8, सी ऑप्शन सही है, कार्य विश्राम शयन। व्यक्तिगत संपर्क पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? तो इसमें बी होगा, फार्म व घर पर भेंट, ये फार्म व घर पर भेंट, ये व्यक्तिगत संपर्क पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है। टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, ट्रेवल बुनाई, ट्रेवल बुनाई है। इसके बाद 122वां प्रश्न, बोलनी उनको कहते हैं किस, क्या कहते हैं? मोरिनो, मोरिनो एक विशेष प्रकार की भेड़ होती है, मोरिनो ऊन निकलता है उसी को बोलनी ऊन कहते हैं। गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में पाया जाता है? पेरिकार्प, पेरिकार्प स्तर में पाया जाता है गेहूं का चोकर, पेरिकार्प। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? ध्यान विकर्षण, सी ऑप्शन सही है, ध्यान विकर्षण ये प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है। ग्लाइकोकाइसिस प्रक्रिया में होता है, क्या होता है? ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन, सी ऑप्शन सही है, ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से ये 125 प्रश्न और उसका हल लेकर मैं प्रस्तुत हुआ था। आप सब अपने प्रश्न को पुस्तक से मिला सकते हैं, आयोग द्वारा जारी आंसर की फलस्वरूप यह हल बताया गया है। अगर किसी प्रश्न में कोई परिवर्तन होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा अथवा कमेंट बॉक्स में सूचना दी जाएगी। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।